नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 28 दिसंबर को धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन है। उनके बेटे मुकेश अंबानी इन दिनों रिलायंस के टेलीकॉम प्रोजेक्ट जियो को लेकर चर्चा में हैं। वहीं मुकेश से ज्यादा उनकी पत्नी क्रिकेट और सामाजिक कार्यों को लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खी बनी रहती हैं। मुकेश के साथ उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। मुकेश के लिए नीता का चुनाव उनकी माँ कोकिलाबेन ने किया था। उन्होंने एक फंक्शन में नीता की डांस परफॉर्मेंस देखते हुए उन्हें पसंद किया था। दरअसल नीता एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी और अपना खर्चा चलाने के लिए 800 रुपए महीने की सैलरी पर एक स्कूल में पढ़ाती थी। नीता को बच्चों को पढ़ाने का बेहद शौक था। उन्हें डर था कि शादी के बाद शायद उनका ये शौक उनसे छिन न जाए। बहुत साल पहले एक इंटरव्यू में नीता ने बताया कि उन्होंने मुकेश के सामने शर्त रख दी कि अगर वो उन्हें शादी के बाद भी उन्हें स्कूल में पढ़ाने की इजाज़त देते हैं तो ही वो शादी के लिए हाँ करेंगी। मुकेश अंबानी के हाँ करने के बाद ही नीता ने शादी के लिए हामी भर दी और अमीर खानदान की बहू बनने के बाद नीता ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना जारी रखा। नीता ने भारत में हुए 1987 के वर्ल्ड कप का एक मजेदार किस्सा इंटरव्यू में बताया था। नीता ने बताया कि एक स्टूडेंट के माँ बाप ने उन्हें वर्ल्ड कप मैच की टिकट ला कर दी थी और मैच देखने का ऑफर किया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन उसी मैच में नीता अंबानी स्टेडियम के प्रेसिडेंट बॉक्स में VIP सीट में बैठी हुई थी और जब स्टूडेंट के पेरेंट्स ने देखा तो वो चौंक गए। जब उन्होंने नीता के वहाँ मौजूद होने का कारण पूछा तो पता चला कि उनके बेटे की टीचर कोई आम महिला नहीं बल्कि अंबानी खानदान की बहू है। दरअसल भारत में हो रहे इस वर्ल्ड कप को रिलायंस ग्रुप ही स्पॉन्सर कर रहा था। कुछ समय बाद ही नीता ने टीचिंग जॉब छोड़ दी और फैमिली बिजनेस पर फोकस शुरू कर दिया।